टू स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 1.9 ऑफ चैप्टर नंबर 1, राइट अ नोट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बेटा जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करते हैं, इसके डायग्राम को जब हम देखते हैं ना, तो इसका जो इनर इसका स्ट्रक्चर है वो डिवाइड होता है इंटू थ्री रीजन्स। सबसे जो इसका आउटर मोस्ट रीजन है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल जो है वो किडनी का साइंटिफिक नेम है, मतलब किडनी को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रीनल कहते हैं, और कॉर्टेक्स मतलब इसका जो बाहर वाला एरिया। उसके बाद आ जाता है इसका मिडल रीजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल मेडोला। मतलब ये जो रीनल मेडोला इज द मिडल रीजन, ये जो रीजन है इसका ये फर्दर डिवाइडेड हो जाता है इंटू कॉनिकल मैसेज। कौन से मैसेज, जो आपको पायरामिड्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर रीनल पायरामिड्स। और इन पायरामिड्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि यूरिन की फॉर्मेशन का काम करता है। इस मिडल रीजन बस फर्दर आगे इनर कैविटी आ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। इस रीनल पेल्विस के अंदर क्या होता है बेटा, यूरिन की फॉर्मेशन होने के बाद जो यूरिन है ना बेटा, वो ड्रेन हो जाता है। ड्रेन का मतलब यहाँ पर इकट्ठा होकर आ जाता है इस कैविटी के अंदर, और वहाँ से फिर मूव कर जाता है इंटू यूरेटर। तो थैंक यू, इसको आपने